माफ करना भाइयों, ये सीरीज बहुत ही लेट से स्टार्ट हो रहा है, दिल से सॉरी बोलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा। हेलो भाई मवंगित, आज से अपन सेल्स वाला सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। भाई इस सीरीज में अपन क्या जानते हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बताना चाहूंगा। भाई सारे कंपनी का मॉडल वाइज सेल्स फिगर जानते हैं इस सीरीज में कुछ दिन तक, तो मजा भरपूर आने वाला है। भाई शुरू करते हैं अपनी चहेती कंपनी KTM से। वैसे चहेती तो नहीं है लेकिन भाई बोल दिया चहेती। इंडियन मार्केट में KTM टोटल 4 सीरीज को बेचता है भाई। तो फोर्थ नंबर पे है 125 सीरीज। अभी इस सीरीज में अपने को दो मॉडल मिलते हैं, ड्यूक और RC। दोनों गाड़ियों कंबाइन मार्च के महीने में 446 यूनिट बिकी है भाई मात्र। बताओ यार इतना बुरा हाल, 446 यूनिट। बाकी फरवरी की बात करते हो तो 310 यूनिट बिकी थी, लगभग 136 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। मतलब ये इनका भाई यही हाल है यार, 400-500 इससे क्या होता होगा इनका, मेरे तो समझ से बाहर है भाई। खैर महंगी भी है भाई, अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी यही है। प्राइस की बात करते हो तो RC 125 अपने को 2,15,683 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। 14.34 BHP का पावर मिलता है, 12 Nm का टॉर्क मिलता है, माइलेज अपने को 37 KMPL तक मिलता है मात्र। बताओ 125 cc गाड़ी है और 37 का माइलेज, ये हजम नहीं होता भाई। बाकी करवेट की बात करते हो तो 160 kg का अपने को करवेट मिलता है। अभी RC 125 में अपने को 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। बात करते हो अगली गाड़ी की तो थर्ड नंबर पे आइए भाई हमेशा की तरह 390 सीरीज। अभी इस सीरीज में अपने को ड्यूक भी मिलता है, RC भी मिलता है और एडवेंचर भी मिलता है। एडवेंचर में एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है भाई, लोवेस्ट सीट करके इन्होंने कुछ लॉन्च करा है, जिसमें सस्पेंशन का ट्रैवल कम हुआ है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम हुआ है। इसके अलावा सीट जो हाइट है 20 mm की 25 mm कम हो चुका है। मतलब पहले 390 थोड़ा लंबे लोगों के लिए थी, लेकिन अब भाई थोड़ा नाटे लोग भी इसको चला सकते हैं आराम से। मेरे हिसाब से ठीक करा इन्होंने, लेकिन प्राइस में कोई भाई गिरावट नहीं हुआ है, प्राइस बिल्कुल ही सेम ही है नॉर्मल वेरिएंट जैसा। मार्च के महीने में 390 सीरीज की 1208 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। फरवरी के महीने में 629 यूनिट बिके थी, लगभग 579 गाड़ियाँ ज़्यादा बिके भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी आपकी एडवेंचर 390 दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से 3,52,560 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। 42.9 BHP का पावर मिलता है, 37 Nm का टॉर्क मिलता है, 28 KMPL तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं, बाकी 177 kg का अपने को कर्वड मिल जाता है। और वहीं कलर ऑप्शन की बात करते हो तो 3 से 4 अपने को कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई ड्यूक नहीं RC 390 में। देखो भाई ये गाड़ी मेरे को वर्दी लगती है, मतलब जैसे इनका कोई भी 390 सीरीज ले लो, RC में ले लो, ड्यूक ले लो या फिर एडवेंचर लो, भाई वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि 42.9 BHP का पावर, 43 BHP का पावर मिलता है, गाड़ी क्या ही भागती होगी 4 लाख रुपये में भाई मात्र, समझ सकते हो। मतलब अच्छा ये पैकेज मेरे को लगता है, लेकिन और बाकी सारी गाड़ियाँ जैसे 125 सीरीज मैंने आपको बताया, वो बिल्कुल भी मेरे को वर्दी नहीं लगती भाई, बिल्कुल भी। खैर ये सब छोड़ो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे है भाई 250 सीरीज। अभी इसमें RC वगैरह नहीं आता है, एडवेंचर मिलता है, ड्यूक मिलता है बस। मार्च के महीने में 1715 यूनिट बिके भाई इस गाड़ी की, फरवरी के महीने में 1650 यूनिट बिकी थी, लगभग 65 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ड्यूक 250 आपको 2,73,275 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। 29.6 BHP का पावर मिलता है, 24 Nm का टॉर्क मिलता है, 31 KMPL तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं, बाकी 170 kg का अपने को कर्वेट मिलता है। कलर ऑप्शन की बात करते हो तो ड्यूक 250 अपने को 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। 390 ड्यूक और 250 ड्यूक में बिल्कुल भी अंतर नहीं लगता देखने में, सेम सी गाड़ी लगती है। हालांकि पहले अंतर लगता था भाई देखने में, बिल्कुल पहचान आ जाता था पहले, लेकिन अब तो भाई पहचान भी नहीं आता। जिनके पास बजट ढीला है 250 वाला उठा लो ड्यूक, जिनके पास बजट ठीक ठाक है तो भाई आपको सुपर बाइक वाला फील कराएगी 390 ड्यूक। खैर फर्स्ट नंबर पे आइए भाई हमेशा की तरह आपकी और हमारी फेवरेट गाड़ी, फेवरेट तो नहीं बोलना चाहूँगा, मेरा तो फेवरेट नहीं है भाई, 200 सीरीज। अभी इसमें आपको ड्यूक मिलता है और RC भी मिलता है, एडवेंचर वगैरह नहीं मिलता इसमें। मार्च के महीने में 2915 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में, फरवरी के महीने में 3254 यूनिट बिकी थी, लगभग 339 गाड़ियाँ कम बिकी है भाई पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अभी देखो भाई 200 सीरीज बिका करती है कुछ, मतलब 2000-3000, लेकिन भाई और बाकी सारी गाड़ी उतना नहीं बिकती है। मतलब कुल मिला के अगर सेल देखा जाए तो 500 ये, 1300, 1200 ये,
तो क्या ही सेल करते हैं भाई, 10,000 यूनिट भी नहीं बेच पाते हर महीने। हालांकि ये लोग जब इंडिया में आए थे पहली बार ना, उस टाइम तो इन्होंने एकदम तहलका मचा रखा था, लेकिन अब धीरे धीरे भाई क्रेज एकदम खत्म हो गया। अब ये ड्यूक 200 आपको 2,49,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। 24.6 BHP का पावर मिलता है, 19.2 Nm का टॉर्क मिलता है, 35 KMPL तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं, बाकी 172 kg का अपने को कर्वड मिल जाता है 200 सीरीज में। मेरे को भाई कसम से इनका सेल देख के मजा नहीं आता वीडियो बनाने में, समझ रहे हो ना, मतलब बिल्कुल भी अंदर से मन नहीं करता। आप सभी के जानकारी के लिए बस बना देता हूँ इनका वीडियो। खैर यहाँ पे हम सभी ने भाई KTM की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जान लिया मॉडल वाइज। मिलते हैं कल किसी और कंपनी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से।